सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कांग्रेसी नेता सुरेंद्र पवार ने धानक कबीर समाज जागृति मंच हरियाणा के तत्वाधान में एटलस रोड स्थित धवन बैंक हॉल में आयोजित संत शिरोमणि कबीर साहेब जी महाराज की 622वीं जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुरेंद्र पवार ने संत कबीरदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कांग्रेसी नेता सुरेंद्र पवार ने कहा कि संत कबीर ने हमेशा इंसानियत को सर्वोपरि समझा। कबीरदास ने उस समय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जब समाज सैकड़ों कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनका मानना था कि इंसान जाति धर्म वर्ण या वर्ग से नहीं बल्कि अपने गुणों से बनता है। महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करें। सभी धर्म जाति और समुदायों की धारा भले ही अलग हो लेकिन सभी का रास्ता मानवता की ओर जाता है। अपने देश में जितने भी ऋषि मुनि और महापुरुष हुए उन सभी ने मानवता का पाठ पढ़ाया है। संत कबीर ने सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। अपने जीवन काल में कई सामाजिक बुराइयों पर जमकर प्रहार भी किया है। उन्होंने कहा कि संत कबीर दास द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। का ये प्रोग्राम धानक कबीर समाज जागृति मंच की तरफ से कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग शहर से यहाँ पर पहुँचे और सभी वक्ताओं जैसे कि हमारे सतपाल चौहान जी हैं, जयपाल कादियान जी, मुखीजा जी और सभी और भी वक्ताओं द्वारा आज के इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया गया और कबीर साहब के बारे में बताया गया। मेरी तरफ से तो यही है कि हम सबको कबीर साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए और हमें आपस में भाईचारा जो कि जात पात धर्म के बातों को छोड़कर एक ही सूत्र में एक भाईचारे के रूप में हमें रहना चाहिए।